बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस रुए जमीन पर चार बादशाह ऐसे पैदा फरमाए कि जिनको पूरी रुए जमीन की बादशाहत दी गई और इनको पूरी रुए जमीन की हुक्मरानी और ताकत अता की गई। इन चार बादशाहों में से दो बादशाह मुसलमान थे, नंबर एक हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और नंबर दो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दो बादशाह काफिर थे, नंबर एक नमरूद और नंबर दो बख्त नसर। प्यार दोस्तों, नमरूद वो अनोखा बादशाह था कि जिसकी परवरिश अल्लाह तबारक व ताला ने खुद फरमाई। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था और इसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई, और फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने खुद नमरूद की अपनी मखलूक के जरिए परवरिश करवाई, और फिर जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इस बच्चे को पूरी रुए जमीन की हुकूमत अता फरमाई, लेकिन इसके बावजूद किस तरह इस नमरूद ने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह तबारक व ताला की जात को जंग के लिए ललकारा, और अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, और जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व ताला को अपने साथ जंग करने के लिए ललकारा तो किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद के साथ जंग की और एक लंगड़े और हकीर मच्छर के जरिए इसको किस तरह इबरतनाक मौत दी और इसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नमरूद बाबिल का वो हुक्मरान था कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने 400 साल तक हुकूमत अता की। इसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नू था। रिवायात में आता है कि नमरूद एक वलदुज़्ज़िना बच्चा था कि जिसकी माँ ने जीना करवाया था। बाद रिवायात में आता है कि नमरूद की माँ का शौहर एक बादशाह था जो कि नामर्द था, तो नमरूद की माँ ने अपने शौहर के नामर्द होने की वजह से और अपने शौहर के बाद इस बादशाहत के लिए कोई हुक्मरान ना होने की वजह से जीना करवाया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। प्यार दोस्तों, एक मरतबा अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये बता कि तूने आज तक इतने लोगों की रूहों को कब्ज किया, क्या कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसकी रूह को कब्ज करते हुए तुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ हो। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है कि मैं जिसकी भी रूह कब्ज करता हूँ मेरा दिल खूब दुखता है, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, ये बता कि सबसे ज्यादा रूह कब्ज करते हुए तुझे किस पर रहम आया। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, एक मौत ऐसी है कि जिसको मैं आज तक बुला नहीं पाया। एक मरतबा मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती समंदर के अंदर सफर कर रही थी। या रब्बुल आलमीन, तेरा हुक्म हुआ कि मैं इस कश्ती को फना कर दूं, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को फना कर दिया। या रब्बुल आलमीन, तूने हुक्म दिया कि एक औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सब की रूहों को कब्ज कर ले, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सब की रूहों को कब्ज कर लिया। इसके बाद उसकी माँ और उसका बच्चा कश्ती के एक तख्ते पर बाकी रह गया। उस वक्त मैं उस बच्चे और उसकी माँ की जान के बच जाने पर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म हुआ कि उस बच्चे की माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया जाए और उस बच्चे को समंदर के अंदर तनहा बिना माँ के छोड़ दिया जाए। या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है, उस वक्त तेरा ये हुक्म पाते ही मेरा कलेजा कांप गया था, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उसकी माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया और उस शीरखोर बच्चे को समंदर के अंदर तनहा छोड़ दिया। या रब्बुल आलमीन, इस तरह जब मैंने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया तो मुझे उस पर बहुत रहम आया और उसका दुख मुझे आज तक नहीं भूलता। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, क्या तू जानता है कि वो बच्चा कौन है और कहां पर है और हमने उस बच्चे की परवरिश कैसे की। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदे में गिर गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। इस पर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, सुन कि जब तूने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया और उस बच्चे को बीच समंदर में तख्ते पर अकेला छोड़ दिया, तो हमने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को सही सलामत समंदर के किनारे पर एक जजीरे के पास पहुँचा दो। चुनाचे समंदर की लहरों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को सही सलामत एक जजीरे पर पहुँचा दिया। वहाँ उस जजीरे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उस बच्चे की परवरिश का खूबसूरत इंतजाम किया। उस बच्चे के लिए एक खूबसूरत बिस्तर बनाया, उसके इर्द गिर्द तरह तरह के फूल उगाए और तरह तरह के परिंदों को हुक्म दिया
कि वो उस बच्चे के आस पास आकर रहें और चहचहाएं, और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर अपनी तेज धूप ना पड़ने दे, और हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसी दौरान वहां पर एक भेड़िए ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस भेड़िए की ये ड्यूटी लगाई कि वो अपने बच्चों के साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हमने इस तरह नाज और नखरे के साथ इस बच्चे को पाला, यहाँ तक कि उसको एक कांटा भी चुभने न दिया। और फिर जब ये बच्चा परवरिश पाकर बड़ा हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पूरी रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई और पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, तुम जानते हो कि वो बच्चा कहाँ पर है? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, अब वो बच्चा एक बहुत बड़ा बादशाह बन चुका है और उसने मेरी नेमतों को बुलाकर खुदाई का दावा कर दिया है, और उसी बच्चे ने मेरे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को नाज और नखरे के साथ पाला और उसको पूरी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई, लेकिन ये नमरूद सरकश और नाफरमान हो गया और इसने खुदाई का झूठा दावा कर दिया, और ये लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाया करता और खुद को खुदा कहलवाया करता। नमरूद की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनाया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक न मानी और उसी तरह सरकशी पर अड़ा रहा और खुद को खुदा कहलवाता रहा और अपनी पूजा करवाता रहा। और जो शख्स नमरूद को खुदा मानने से इनकार करता, ये उस पर जुल्म सितम करता। प्यारे दोस्तों, नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि हर हर घर में बुतों की पूजा की जाती थी। इस नमरूदी दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूदी कौम को बारह दफा समझाया और बुत परस्ती से मना किया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, लेकिन ये नमरूदी कौम नमरूद की तरह अपने कुफ्र शिरक से बाज न आई और उसी तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके झूठे खुदाओं को और इनके झूठे बुतों को झूठा साबित करने का इरादा फरमाया चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और इनके बुत खाने में पहुँच गए जहाँ इनके तमाम बड़े बड़े बुत मौजूद थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस कुल्हाड़े की मदद से उस बुत खाने में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया और वहाँ पर मौजूद एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ा उसी बुत के कंधे पर रख दिया, ताकि इन तमाम बुतों के टूटने का इल्जाम इनके बड़े खुदा और इनके बड़े बुत पर लगाया जाए। चुनाचे जब लोग अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम बुतों को टूटा हुआ देखा। उस वक्त तमाम नमरूदी इस बात को समझ गए कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो बुतों के खिलाफ बातें करता है और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देता है। चुनाचे तमाम नमरूदियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे कि हमारे बुतों को किसने तोड़ा है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही हिकमत अमली से जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि अपने इस बड़े बुत से पूछो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा है, इसी ने तोड़ा होगा। अगर ये तुम्हारा सबसे बड़ा और सच्चा खुदा है तो ये तुम्हें जरूर बताएगा। इस तरह नमरूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर लाजवाब हो गए और उनके पास इस बात का कोई जवाब न था। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन नमरूदियों से फरमाने लगे कि जब ये तुम्हारे झूठे खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? और ये तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं जो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूदी तैश में आ गए और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का इरादा किया और माज अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। चुनाचे तमाम नमरूदी नमरूद के दरबार में जमा हुए और सारा वाकया नमरूद को सुनाया। नमरूद ये सारा वाकया सुनकर गजबनाक हो गया और गुस्से में आकर कहने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, वो कौन होता है हमारे बुतों को तोड़ने वाला और मेरे अलावा किसी और खुदा की इबादत करने वाला? चुनाचे नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा देने का इरादा किया कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल न मिले। चुनाचे नमरूद ने हुक्म दिया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उस आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए और माज़ अल्लाह उनको कत्ल कर दिया जाए।
चुनाचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई गई और वो आग इतने वसी मैदान के अंदर जलाई गई थी और वो आग इतनी ज्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। इस तरह जब वो आग जला दी गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए बुलाया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से खड़े होकर एक मशीन के जरिए उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, तो वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन में अल्लाह तबारक व तआला की खास फजल और रहमत में था और जितना सुकून मुझे उस आग में मिला इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला था। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई दिन तक उस आग में रहे और बिलाखर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों बाद उस आग से जिंदा बाहर आ गए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना बंद न किया और आप अलैहिस्सलाम मुसलसल नमरूद को और नमरूदियों को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाते रहे और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते रहे। चुनाचे बार बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलाकर तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि बता तेरा खुदा कौन है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद हंसने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी और उन कैदियों को तमाम लोगों के सामने बुलाकर नमरूद ने एक को कत्ल कर दिया और एक को आजाद कर दिया। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने उसकी अकल के मुताबिक दलील दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और अपनी पूरी कौम के सामने जलील और रुसवा हो गया। इस तरह जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात का जवाब ना दे सका तो उस वक्त वो गरूर और तकबर में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल मेरे साथ जंग करे। जैसे ही नमरूद ने ये बकवास की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। नमरूद ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जंग की तैयारी कर सकूँ। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गयी। नमरूद चूँकि पूरी रुए जमीन का बादशाह था, नमरूद ने पूरी रुए जमीन से बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और खतरनाक हथियारों को जमा किया। इन 3 दिनों के अंदर जब नमरूद ने पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी फौज को जमा कर लिया और अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली तो नमरूद 3 दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गरूर और तकबर के साथ ललकारने लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरा लश्कर जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपना लश्कर भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जैसे ही नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए ललकारा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखते ही देखते मच्छरों की एक फौज को भेजा जिन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे आसमान पर फैल गए, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी तक भी दिखाई न देती थी। और वो मच्छर नमरूदी फौज का सारा खून पी गए और सारा गोश्त खा गए। उस वक्त नमरूदी फौज की हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। ये खौफनाक मंजर देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ। नमरूद उस मच्छर को देखकर अपनी बीवी से कहने लगा कि ये वो मखलूक है कि जिसने मेरी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया है। नमरूद अभी ये गुफ्तगू कर ही रहा था कि वो मच्छर नमरूद के नाक में दाखिल हो गया और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया और उसके दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि वो अपने सर को दीवारों पर मारता। इस तरह वो लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा और उसके दिमाग को चाटता रहा। नमरूद सर में दर्द की शिद्दत की वजह से
अपने सर को दीवारों पर मारता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुदाई का दावा करने वाले और अल्लाह तबारक व तआला की जात को जंग के लिए ललकारने वाले नमरूद को इबरतनाक मौत दी और ये नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सबसे बड़े बादशाह को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवाया और उसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी बारगाह में आर्जी और इनकसारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन तमाम तर बुराइयों से बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की मुस्तहिक करार पाई।